एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। डॉग सेवर खुशी खान ने लगाई मदद की गुहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस बिजी लाइफ में बहुत कम लोग दूसरों की मदद कर पाते हैं, ऐसे माहौल में खुशी खान ने अपने खुशी खान फाउंडेशन की ओर से बेजुबान जानवरों और ख़ास तौर पर उन कुत्तों की मदद करने का बीड़ा उठाया है जो बेसहारा, बीमार और अपाहिज हैं। खुशी फाउंडेशन के कामों का जायज़ा लेने पहुंचकर पालिका कमिश्नर सौदागर सर ने उनके इस काम की खूब तारीफ करते हुए खुशी खान की हर मुमकिन मदद करने का उन्हें आश्वासन दिया है और साथ ही आधुनिक भगीरथ के नाम से प्रसिद्धि पा चुके बीजापुर उस्तुवारी मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल और एमएलए यत्नाल और आम लोगों से भी खुशी खान ने अपील करते हुए इस फाउंडेशन के लिए मदद की गुहार लगाई है। ऑटो से ज्यादा ऑटो से जाना पड़ता सर। कंप्लीट एवरी स्ट्रीट के अंदर की तुम्हें स्ट्रीट डॉग्स को खाना कवर करके खर खाना खिलाते। नमस्कार, विजयपुर नगर दलगाट के हर बंत अफजल खा मसूति हत्र नम खुशी खान अंत महि तुटुबिंत प्राणी पालन तुग्दारे इवतु केंद्र बंद नान वीक्षण मादी भाला सतोष अन्स्त भाला जनर प्राणी बे का वह तम कुट तम स्वतः तम केस बे संरक्षण इतमार आ खुशी खान महि तुटू बीदी नायी बे हेची का वह बीदी नायी अनाहुत के अंत नायी बंत अंत नायी तवतः तेजक बंद इली पालने चिकित्से को जो पालने पोषण माँ मत ती आ प्रदेश केसर यह केस के नानु पालिके परवा अति हम व्यक्तपड़ता जोतली सामाजिक केस कूड़ा बहुत महत्वद्वु इंत केस ना महानगरपालिके और जोतली नुन मत मुगस्त सर ऊरदे औषध नायी औषधि हाको नड़ीतर सर मोन्े एंट नायी औषध हाक सर जुम्मे हमे रीति नगर अल यू कूड़ा नागरिक कानून विरुद्धवाबार् प्राणी नम मनुष्य प्राणी बंद नैसर्गिकवा प्रतियो प्राणी हुट्दा आ प्राणी रक्षण मनुष्य कर्तव्य आ प्राणी यहा रीति नोड़ू यी पालने पोषण मेवंत कानून कूड़ा सरकार आ कानून अड़ी ना ज सार्वजनिक कूड़ा केस विनती माता अदाई बे डॉग्स बैट्स बे साकु दूर बंद तक महानगरपालिके बीदी नायी शस्त्रचिकित्सा केंद्र वेटनरी हास्पिटल हत्री सुमार 1700 वे ना शस्त्रचिकित्से रैबिस इंजेक्षन अरे आ नायी कच्चोद्रे मनुष्य आगबार्ड दृष्टिया सरकार विधि शर्तंते ना कार्यप्रवृत्तर इनू दिन नायी शस्त्रचिकित्से रविश इंजेक्षन कल्ता सर। खुशी खान यहाँ
ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಕ್ಕಂತ ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. न्यूज़ में मैं बताई थी मेरे सेंटर का काम अभी चला था, शुरुआत हुई थी. सेकंड टाइम में भी आधा काम एक बार यस चैनल वाले हमको ब्लॉकों में दिखाई थी. आज मेरा काम पूरा कंप्लीट तो हुआ. म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सर उन्होंने विजिट करे थे अभी जस्ट, उन्होंने गए विजिट करके उन्होंने बोल को गए अगर हमारे से क्या भी हेल्प की ज़रूरत है या म्यूनसिपलिटी की तरफ से क्या भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम ना कॉल करो बोल को. तो कमिश्नर सर उनको तो काम अच्छा लगा, सेंटर का वर्क को देखे उन्होंने मुझे बात करी. फिर उन्होंने बोल अभी तो ऐसा बोल को गए उन्होंने सर उन्होंने कि हेल्प की ज़रूरत है तो म्यूनसिपालिटी से भी हेल्प मिलती है, हमारे से भी हेल्प मिलती है बोल को. तो बसंत गौड़ा सर आप तो सिटी के MLA सर हैं तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो सर, मेरा सेंटर का काम तो ख़त्म ही है तो आने वाले अभी बहुत छोटे छोटे काम भी हैं. उसके बाद भी मुझे पानी की फैसिलिटी नहीं है सर, तो सर प्लीज़ मुझे पानी की फैसिलिटी कर को दो. एनिमल्स मैं मेरे वास्ते कुछ भी नहीं मांग रही, मेरे बच्चे एनिमल्स के वास्ते उनको पानी की बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है. मैं एकली कुछ नहीं कर सकती, अभी तो मैं एकली हर चीज़ करे सर. जो बड़े बड़े चीज़ें हैं मेरे से अफोर्ड भी नहीं हो सकते ना मैं हेल्प वता कर सकती. तो बसंत गौड़ा सर तुम्हें असम्बली में बैठ को विधानसभा में बैठ को आवाज़ उठाते हैं तो जानवर आएंगे वास्तव भी आवाज़ उठाओ. हमारे बीजापुर के अंदर ऐसे कुछ चीज़ें होंगे कि आज तक वो कौन नहीं करें. तो तुम्हें अगर एक तुम्हारी एक आवाज़ से बच्चों को हेल्प मिल सकती है. असम्बली में बैठ को आवाज़ यथा छुटाने का बोल को नहीं है सर. तो प्लीज़ एनिमल्स के बारे में भी आवाज़ उठाओ, गवर्नमेंट से क्या भी अच्छा से अच्छा हो दे. MB पाटिल सर पहला तुम्हें नीरावरी में थे, तुम्हें पानी की फैसिलिटी कर को दें, पब्लिक को बहुत हेल्प करी. MB पाटिल सर तुम ना पब्लिक भगीरथ बोलती है क्या, हमारे बच्चों के साथ तुम्हें भगीरथ नहीं हो सकती है क्या. मेरे वास्तव नहीं मांग रही, लेकिन जो भी ये एनिमल्स हैं डॉग हैं ये सब हैंडीकैप अपाइज डॉग है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुए सर डॉग हैं सर, बच्चा मेरे बच्चों के सर भगीरथ बनो. और प्लीज़ सर आई नीड योर हेल्प, मैं तुम्हारा हेल्प मांग रहा हूँ. तो पहले तुम्हें जब पिछली बार तुम्हें मिनिस्टर थे तो पानी के वास्ते बहुत सारे लोगों की हेल्प करें. इस चैनल माध्यम से तुम्हें मुझे देख रहे हो तो सर मेरी प्लीज़ मेरी मदद करो. कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पर, क्या बताए हो? और कमिश्नर सर बोले हैं कि तुम्हारा कौन सी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम ना बोलो हमें हेल्प करते हैं. म्यूनसिपालिटी से भी कौन से भी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है तो बोलो हमें तुम्हारा हेल्प करते हैं करके बोल को गए. तो क्या अभी तक किसी की आप जो खुशी जो आप फाउंडेशन एलिमेंट फाउंडेशन बना रहे हैं अभी तक किसी की आपको मदद हुई है यहाँ पर? नहीं, किसकी भी मुझे कौन भी हेल्प नहीं करे, खुद मैं एकली से करूँ, एकली का इन्वेस्ट है मेरे. एकले भी ऐसे आको आगे आको हेल्प करते हैं, हमें कर को नहीं बोले. ये ज़माने के अंदर है 10 रुपए की कौन किसकी हेल्प नहीं करते, तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि मुझे हेल्प करते हैं आको. मुझे नहीं मेरे बच्चों को हेल्प करते हैं करके मैं कैसा उम्मीद करूँ. कुछ चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है तो कुछ चीज़ें अपने आप से हो जाना. अब जैसे कि मैं खुद से मैं एकली करी तो मुझे थोड़े लोग आए से आको आगे आको थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता. तो भी क्या आप हमारे नगर के शासक से क्या विनती करते हैं? मैं बसंत गौड़ा सर से इतनी हेल्प मांग रहा हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के वास्ते ऐसे पानी की फैसिलिटी कर को दो. अगर मेरे बच्चों के वास्ते यहाँ कुछ भी अच्छा हो रहा बोले तो मुझे वो कौन सी चीज़ें ऐसे बड़े कर को दो कि मेरे आने वाले मेरे एनिमल्स के वास्ते रहें वो हेल्प हो सके. तो बसंत गौड़ा सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो. क्यों तो एनिमल्स के लव को कौन समझने वाले तो नहीं है सर, शायद आई थिंक तुम्हें समझ सकते हैं. क्यों तो तुम्हें प्राणी प्रेमी है मुझे ये मुझे मालूम है. असम्बली में बैठ को इतनी ज़ोर से आवाज़ करते सर तुम्हें, क्या एक एनिमल्स के अवसर एक आवाज़ नहीं उठा सकते क्या सर तुम्हें? तो प्लीज़ एक आवाज़ तुम्हारी उठा को बोलो कि तुम्हें एनिमल्स के अवसर भी कुछ कर सकते हैं सर. तो प्लीज़ मुझे एनिमल्स के अवसर तुम्हारी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है. आने वाले दिनांक के अंदर सर मैं गाय वगैरह सबको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं खाली डॉग को कर रहा हूँ तो मुझे तुम्हारी हेल्प भी मिल रही है तो मैं गायों को भी कुछ कर सकता हूँ. तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो. तो अभी हमारे इंचार्ज अभी जो बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर MB पटेल उनसे क्या कहते हैं? नहीं, MB पटेल सर तो पहले बहुत अच्छे हैं, पानी के बारे में बहुत फैसिलिटी लोगों के वास्ते कर को गए. तो अभी मैं उनके से भी गुजारिश करता हूँ कि MB सर प्लीज़ मेरी मदद करो सर प्लीज़. क्योंकि तो पानी के वास्ते तो मैं सबको तुमना भागीरथ कर को ऐसे ही नाम नहीं रखे सर, तुमना लोगों तो भगवान मानते हैं सर. क्या मेरे बच्चों के वास्ते तुम्हें भगवान नहीं बन सकते? क्या मेरे एनिमल्स के वास्ते तुम्हें एक हेल्प मेरी नहीं कर सकते सर? प्लीज़
एमबी पाटिल सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ छोटे छोटे चीज़ों की थोड़ी कमी है, क्या मुझे तुम्हें हेल्प तुम्हें मुझे छोट सर तुम्हारे वास्ते तो वो बहुत छोटी हेल्प होती है, मेरे वास्ते वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। प्लीज़ सर, मैं तुम्हें हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि मेरी हेल्प करो। तो अभी आपको कॉन्टेक्ट कैसे करें, कोई लोग आपकी मदद करना चाहते हैं? मेरा हेल्पलाइन नंबर है क्या? 7019708990। इस नंबर पे आप कभी भी चल रहा था क्या? हाँ, एनी टाइम कॉल कर तो सकते हैं। आपका फोन पे नंबर वगैरह है कोई आपको? अभी तो फोन पे का नंबर नहीं है, तू ओपनिंग के बाद मैं फोन पे का नंबर भी मैं डाल देता हूँ। मदद करना चाहें तो क्या कैसे करें? मुझे डायरेक्टली कॉल करें, मुझे जो भी चीज़ें जरूरत हैं वो खुद दिला सकते हैं। टॉपर्स कोचिंग एकेडमी विजयपुर, रेगुलर समर वैकेशन क्लासेस फॉर 5th, 8th, 9th and 10th क्लासेस फॉर स्टेट एंड CBSE सिलेबस, बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज फॉर 1 to 4th and 6 to 7th क्लासेस। एडमिशंस आर ओपन फॉर कन्नडा, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन फॉर दी सैनिक, चित्तूर, नवोदया एंड RMS, स्पेशल कंसेशन फॉर ऑटो ड्राइवर्स चिल्ड्रन। प्लीज कॉन्टैक्ट 9880846615 एंड 9991684615। एड्रेस वज्र हनुमान नगर, साई पार्क रोड, विजयपुर और हकीम चौक, विजयपुर। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।